हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम हमने अपना कुछ ह्यूमन बॉडी के बारे में, कुछ टर्म्स और कैविटी के बारे में पढ़ा था। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। आज हम थोड़ा सा एक स्टेम सेल्स के पढ़ेंगे। एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है हमारी बॉडी में, जब हम छोटे होते हैं, बिल्कुल जब डिवाइड होते हैं, बिल्कुल मदर के पेट में, तब वहाँ पे उस बॉडी में हमारी में वहीं पर एक सेल्स बननी शुरू होती है, स्पेशल टाइप की, जिनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। उनसे हम आगे बहुत रिसर्च करके हम काफ़ी अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। इवन इससे हम क्या करते हैं, आज के टाइम हम देखते हैं कुछ लोगों को ऑर्गन्स वगैरह दिक्कत होती है, ऑर्गन्स वगैरह के डोनेट वगैरह के लिए। तो अगर हम स्टेम सेल को अच्छे से स्टडी करें तो हम उनसे आज के टाइम में ऑर्गन्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। जिस बंदे को ऑर्गन की जरूरत है उसको हम ऑर्गन वगैरह लगा सकते हैं उन सेल से बना के। तो स्टेम सेल्स की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टेम सेल्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। स्टेम सेल्स कैसे बनती है और क्या कैसे कैसे होती हैं स्टेम सेल्स, उनमें कैसे कैसे टाइप्स होते हैं और कौन सी स्टेम सेल क्या बनाती है। तो देखिए, हमारा लेक्चर होता है स्टेम सेल्स पे। पहले हम लिखते हैं स्टेम सेल्स। सबसे पहले तो इस स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, है क्या स्टेम सेल्स में। जैसे हम पढ़ते हैं ना एनिमल में, जैसे हमने पढ़ा था एनिमल में, हमने पढ़ा था कि जैसे एनिमल में क्या होता है, अलग अलग किंगडम्स वगैरह थे। तो जैसे हमने समझा, इनमें भी क्या होता है, इनमें भी जैसे एनिमल की तरह हमने काफी सारे क्लासिफिकेशन किए थे ना, अलग अलग टाइप के अलग अलग किंगडम्स वगैरह बनाए थे, ऐसे स्टेम सेल्स में भी काफी तरह के कि सेल्स होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेम सेल्स होती क्या, पहले देखते हैं। दे आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, सेल्स है विच कैन फॉर्म एनी बॉडी ऑर्गेन। बॉडी ऑर्गेन, कोई बॉडी ऑर्गेन हो, इवन पूरी बॉडी हमारी बेसिकली एक सेल से हम बढ़ते हैं आगे। हम शुरुआत में क्या होते हैं, बिल्कुल एक सेल ही तो होते हैं, उस सेल में डिवीजन होता रहता है काफी बार, तब जाके हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो स्टेम सेल्स उन छोटी से उस सेल से ही, जो अपने सिंगल सेल थे उसी से पूरी बॉडी बनी। तो उस सेल में कुछ तो ऐसा स्पेशल रहा होगा ना, जिसने पूरी बॉडी बना दी, अलग अलग इतने सारे ऑर्गन्स बना दिए, ब्रेन बना दिया, लिवर किडनी बना दिए, स्किन बनाई बाहर की, ब्लड वगैरह बनाए, सारी चीजें क्या हो, कुछ तो ऐसा रहा होगा ना स्पेशल सेल में, उस सेल में। तो उस सेल की खासियत होती है। आज के टाइम में जैसे हम कई बार देखते हैं हॉस्पिटल्स में डोनेशन के लिए दिक्कत रहती है, ऑर्गन वगैरह के लिए लोग वेटिंग पे रहते हैं, कई बार डेथ भी हो जाती है इस चक्कर में, और कई बार मिलता है तो मैच नहीं होता ब्लड ग्रुप वगैरह। उस मैचिंग के आगे बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैच करके नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे हम और उस ऑर्गन किसी के अंदर लगाएंगे, वो ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसकी बॉडी के थ्रू। बॉडी को लगेगा कि बाहर से कोई चीज आई है, कोई इन्फेक्शन वगैरह कर सकती है, तो उसे मार दो। जो हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं WBC, वो उसे मार देंगे। तो इसमें बहुत दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, स्टेम सेल से ही उसकी स्टेम सेल्स को लेंगे के और उसमें से ऑर्गन बना के उसकी बॉडी में जब वापस लगाएंगे ना, तो उससे बेनिफिट ही है। जब उसी की बॉडी की सेल्स हैं तो WBC जो हमारे सोल्जर्स हैं वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो इससे और प्लस मैचिंग भी अच्छे से रहेगी, क्योंकि मैचिंग भी हो रहेगी तो दिक्कत भी नहीं आएगी। तो ये ज्यादा बेनिफिट है। और इससे ना ही हमें वेट करना पड़ेगा कि मिलेगा, कब मिलेगा ऑर्गन, हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो भी बहुत दिक्कत रहती है। तो सारी प्रॉब्लम्स हमारी इससे सॉल्व हो सकती है। तो एक तरह से ये लाइफ सेविंग सेल्स हैं। दे आर लाइफ सेवर्स, सेविंग सेल्स। अगर इनके बारे में ज्यादा अच्छे से स्टडी करें, काफी अच्छे से, तो हम इससे लोगों की जान वगैरह बचा सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज में काफी बेनिफिट हो सकता है इससे। तो देखिए, ये हमने पढ़ा इसकी फैसिलिटीज। दूसरी प्रॉपर्टी है इनकी, दे हैव कैपेसिटी, इनके अंदर कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, मतलब एक से दो सेल हो जाती है, कैपेसिटी टू डिवाइड, इनके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी होगी, तभी तो नई और आगे की सेल्स बना पाएंगे। अगर डिवाइड ही करेंगे तो दिक्कत आएगी, डिवाइड भी तो करना जरूरी है। तो इनके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज होती है स्टेम सेल्स के अंदर। ये सिर्फ एक छोटी, याद रखिए, एक छोटी सी सेल से हम पूरे बने हैं। तो हमारी बॉडी की हर एक सेल वो एक सिंगल सेल से बनी है। अब हमारी बॉडी में देखते हैं कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम ये प्रोसेस मदर, जब हम मदर के पेट में होते हैं तभी से स्टार्ट हो जाती है। देखिए, याद रखिए, ये मदर बॉम वही उसी के अंदर सबसे पहले जब बनता है हमारी सिंगल सेल, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। इस जाइगोट के अंदर होती है हमारी स्टेम सेल्स। इसी में डिवीजन होएगा, आगे और डिवीजन होएगा,
और धीरे धीरे करके पूरा एक एम्ब्रियो बन जाएगा जो हम एक्चुअल में आज हैं, एम्ब्रियो, मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो, मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बन जाएगा पूरा एम्ब्रियो, जिसमें काफी तरह की सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन हैं, ये सारी चीजें हैं मल्टी सेलुलर। तो एक छोटी सी सेल से तो बना, तो उस सेल में क्या खासियत रही ऐसी, वो उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब देखिए कैसे कैसे इनमें डिविजन होते हैं, पहले इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसके बारे में अभी इतना पढ़ा कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं मदर सेल में। ये स्पेशल सेल्स है जिसमें जिससे हम कोई भी ऑर्गन बना सकते हैं, पूरी बॉडी हमारी इससे बनी है, इनके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है, और इवन एक लाइफ सेविंग सेल्स होती है। आज के टाइम में कुछ ऐसे रिसर्चर्स इंस्टीट्यूट हैं जो क्या करते हैं, हमारी जो स्टेम सेल्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं, और फ्यूचर में इनकेस कभी हमें जरूरत पड़े तो क्या करते हैं, वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि उससे हम ऑर्गन बना पाए। अभी पूरी तरह से पॉसिबल नहीं हो पाता कहीं कहीं जगह, लेकिन उस पर रिसर्च चल रही है, जिससे क्या होगा फ्यूचर में कभी ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी तो हम उससे ऑर्गन बनवा लेंगे उन सेल से, जो काफी बेनिफिट रहता है। कुछ पैसे वगैरह लेते हैं उससे, सेव करके रखते हैं हमारी स्टेम सेल्स। निकलती कब है स्टेम सेल्स, एक तो जाइगोट में होती है, दूसरा जब डिलीवरी होती है ना उसे हम बोलते हैं पार्ट्यूरेशन, पार्ट्यूरेशन डिलीवरी। तो उस टाइम पे प्लेसेंटा से निकलती है मदर प्लेसेंटा, फ्रॉम प्लेसेंटा उससे सेल्स बनती हैं, तो वहां से हम सेव करके रख सकते हैं सेल्स को, तो ये काफी बेनिफिट है हमारे लिए। तो देखिए अभी तक हमने इतना पढ़ा, अब देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कि इन सेल्स में किस कैसे कैसे टाइप्स होते हैं हमारे स्टेम सेल्स के, यहां से लेके आगे तक जैसे ऑर्गन वगैरह बनेगा तो उसके काफी टाइप्स होते हैं, तो उन टाइप के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे साइड में जाइगोट बना देते हैं और यहाँ पे उसका सेल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। याद रखिए सबसे पहले जाइगोट होता है सिंगल सेल, सिंगल सेल जाइगोट होता है हमारा, सिंगल सेल। अब देखिए इससे आगे क्या होगा, इसके अंदर सेल होगी, इस सेल के अंदर इसी सेल सेल से पूरी बॉडी बनी है। तो यहाँ पे जो सेल होती है ना, इस सेल को हम बोलते हैं, इस सेल में एक आध डिफरेंशिएशन वगैरह हो सकते हैं आगे, इसी सेल को हम बोलेंगे जो सबसे ऊपर होता है सेल की क्लासिफिकेशन, यहाँ पे उसको हम बोलते हैं, हाँ तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर क्लासिफिकेशन होता है सेल के, सबसे टॉप की जो सेल आती है स्टेम सेल, उसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंट सेल, टोटिपोटेंट सेल्स, हाँ तो इसे बोले टोटिपोटेंट सेल्स। ये सबसे टॉप पे क्लासिफिकेशन, जैसे हम एनिमल क्लासिफिकेशन करते हैं, यहाँ पे साथ 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 कंपैरिजन करते रहते हैं। एनिमल जब हम करते थे तो सबसे टॉप पे क्या आता था, किंगडम, फिर आगे चल के फाइलम वगैरह आते थे, ऐसे यहाँ पे होता है। यहाँ पे सबसे पहले जो टॉप पे आता है सेल वो आता है टोटिपोटेंट सेल्स, यहाँ पे जो डिवाइड होता रहता है, डिवाइड होंगी और कुछ टोटिपोटेंट सेल्स और बन जाएंगी, इन सेल्स से आगे पूरी बॉडी बनेगी, इन सेल्स से पूरी हर एक ऑर्गन, पूरी स्किन वगैरह सारे। अब थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जाइगोट ना अभी तो सेल्स है नॉर्मल, थोड़े टाइम बाद जाइगोट क्या करता है, यहाँ पे कुछ सेल्स इसकी इस तरह से कवर कर लेती है, एक भारी तरफ लेयर बना लेंगी कुछ सेल्स, तो बाहर की तरफ एक लेयर बना लेंगे छोटी सी, और अंदर कुछ सेल्स अंदर की तरफ रह जाएंगी इस तरह से। तो यहां पे सेल में दो टाइप के बन गए, एक जो बाहर जिन्होंने लेयर बनाई और दूसरी जो अंदर की सेल्स है, बाहर वाली जो लेयर बनाई थी इस लेयर को हम बोलते हैं ट्रोफो ब्लास्ट, और जो अंदर होता है वो होता है इनर सेल मास। अब यहाँ पे दो तरह के सेल्स आ गए, तो अब जो यहाँ पे स्टेम सेल के नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आए यहाँ पे, जो यहाँ पे होंगे इनर सेल मास में, आगे चल के यहाँ पे जो डिवीजन होगा उसको हम बोलते हैं प्लूरोपोटेंट सेल, टोटिपोटेंट से कौन सी सेल आई नेक्स्ट, प्लूरोपोटेंट सेल, जब जाइगोट में आगे चल के डिवीजन हुआ थोड़ा,
प्लूरोपोटेंट सेल्स दो टाइप की हो गई, एक जिसमें बाहर के लेयर बनाई, एक जो अंदर इनर सेल मास में है। जैसे यहां पे होते ना एनिमल के बाद किंगडम के क्या था फाइलम, सेम ऐसी क्लासिफिकेशन चलता रहता है। आगे चल के क्या होगा, अब जाइगोट में क्या होता है, थोड़े टाइम बाद इनर सेल मास बन गया। यहाँ पे अब जाइगोट के अंदर तीन लेयर बनेंगे, जैसे हमने एनिमल पढ़ा था ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन लेयर होती थी एक्टो एंडो और मीजोडर्म, ऐसे यहाँ पे होगा, तीन लेयर में डिफरेंशिएशन हो जाएगा जाइगोट का। थोड़ा छोटा मार लेते हैं अंदर ही इसके, इस तरह से ट्रोफोब्लास्ट के अंदर ही पहली लेयर दूसरी लेयर सेल की लेयर्स बनती हैं, प्लूरोपोटेंट सेल से बनी, याद रखिएगा। वो सबसे पहली लेयर को हमने एक्टोडर्म, बाहर वाली का नाम दिया एक्टोडर्म, उसके अंदर वाली का नाम दिया मेसोडर्म, और उसके अंदर वाली का नाम दिया एंडोडर्म। तीन लेयर को नाम दे सकते हैं, अभी यहां पे कोई डिफरेंस नहीं होता लेकिन तीन लेयर हो जाती है, पता चल जाता है। एंडोडर्म तीन लेयर्स बन गई, तो इन तीन लेयर्स के अंदर अब दूसरी स्टेम सेल्स होंगी जो नेक्स्ट लेवल क्लासिफिकेशन में आते हैं। इन तीनों लेयर के अंदर अलग अलग टाइप की सेल्स होंगी स्टेम सेल्स की, और जो आगे कैसे चल के कोई टिश्यू बनाएंगी और ऑर्गन आएंगे। आप क्या करेंगे, तीनों ने अब तीन सेक्शन बना लिया, तीन क्लासेस एंडो एक्टो और मीजोडर्म। कुछ सिस्टम जो होंगे हमारी बॉडी के वो एक्टोडर्म बनाएंगी, कुछ मीजोडर्म और कुछ एंडोडर्म, तीन सेक्शन बना लिया और काम डिवाइड कर लिया। एक सेल के ऊपर अब सारा बर्डन डाला, सेल्स डिवाइड करी, कुछ सेल्स ये पार्ट बनाएंगी, कुछ सेल्स वो पार्ट बनाएंगी, और कुछ तू, तू तीसरा। तो ऐसे यहाँ पे सेल्स में आप जो ग्रुप बनाया सेल्स में, यहाँ पे जो सेल है इस तरह से, कुछ सेल्स इनके पास आ जाएंगी जो एक्टोडर्म लेयर में होंगी, कुछ सेल्स एंडोडर्म के पास आ जाएंगी। स्टेम सेल्स ये हैं भी जो आगे चल के डिवाइड करके आगे नई चीजें बनाएंगी, कुछ सेल्स इनके पास आ गई। तो नेक्स्ट लेवल में क्या बना, जो इन सेल के इन लेयर के अंदर होंगी वो सेल्स, उन सेल्स को हम बोलते हैं मल्टीपोटेंट सेल्स, पोटेंट सेल्स। इन तीनों लेयर के अंदर होंगी, इसके अंदर भी मल्टीपोटेंट सेल्स होंगी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। जो इन तीनों लेयर को बनाया उसने बनाया प्लूरोपोटेंट सेल्स ने, और जो इन दोनों सेल्स में डिवाइड किया उसको बनाया टोटिपोटेंट सेल में। सबसे पहले टोटिपोटेंट, फिर प्लूरोपोटेंट और फिर मल्टीपोटेंट, ऐसे यहां पे होता था। फाइलम के बाद क्या आता था, फाइलम के बाद यहां पे क्लास आ जाती थी, चलता था ऐसी क्लासिफिकेशन चलता रहता है। अब इन मल्टीपोटेंट सेल्स में अलग अलग तरह की सेल्स बनेंगी, अब मल्टीपोटेंट सेल्स के अंदर काम चलेगा आगे। मल्टीपोटेंट सेल्स हमारी कई तरह की होती है, अब उनके नाम पढ़ेंगे हम आगे क्या करेंगी। तीनों लेयर में अलग अलग मल्टीपोटेंट सेल्स हैं, तो यहां तक देखिए एक बार पहले, इसके आगे मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। मल्टीपोटेंट सेल्स में हमारी तीन तरह की सेल्स बनेंगी, तीन चार देखो। सबसे पहले जो आएंगी हमारी एक्टोडर्म के अंदर, उनको हम बोलेंगे, दूसरी आएंगी हमारी मेसोडर्म के अंदर जो मल्टीपोटेंट सेल्स होंगे। अब टाइप पढ़ रहे हैं मल्टीपोटेंट सेल्स की, जो मल्टीपोटेंट सेल्स के टाइप्स हैं वो आगे चल के नई नई सेल्स बनाती जाएंगी। मेसोडर्म और एक आती है एंडोडर्म, ये तीन ही तो लेयर है, तीनों के अंदर अलग अलग मल्टीपोटेंट सेल्स हैं। कौन कौन सी आएंगी यहां पे याद रखिए, देखिए जो एक्टोडर्म के अंदर आएंगी, एक्टोडर्म के अंदर वो सेल्स आएंगी आगे चल के जो एक्टोडर्म की सेल्स है वो बनाती है न्यूरल सिस्टम हमारा, पूरा नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह सारा। तो यहाँ पे न्यूरल स्टेम सेल्स आती हैं, ठीक। मेसोडर्म के अंदर जो आती है, मेसोडर्म के अंदर दो तरह की सेल्स आएंगी, देखिए एक तो आती है मेसन काइमल स्टेम सेल, ये हमारी काफी सारे बॉडी की चीजें बनाती है। दूसरी आती है यहां पे हेमोपोटिक स्टेम सेल्स, पिटिक स्टेम सेल्स दो हैं यहां पे, टाइप होते हैं इस तरह से स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स यहां पे लिख देते हैं, और एंडोडर्म के अंदर आती हैं एंडोडर्मल स्टेम सेल्स, एंडोडर्मल एंडोडर्म स्टेम सेल्स। बात ये कौन क्या बनाएगा इंपॉर्टेंट ये, तो पहली बार नोट कर लीजिए, अभी तक मल्टीपोटेंट सेल्स के टाइप पढ़ रहे हैं, ये मल्टीपोटेंट सेल्स के टाइप है जो आगे चल के नई नई चीजें बनाएंगी पूरी।
अभी अभी तक ये सेल वो है जो डिवाइड कर सकती है। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जब एक ऑर्गन बन जाता है तो उसकी सेल्स क्या होती है, डिफरेंशिएशन कर लेती है, वो अपना फंक्शन करने लगती है, काम करने लगती है। जब कोई सेल अपना काम करने लगती है, उसको अपना फिक्स काम मिल जाता है, तब वो होता है कि वो सेल डिफरेंशिएट हो गई आगे चल के। अभी तक इन सेल के पास अपना कोई काम नहीं है, बस इनका काम ये है कि अलग अलग जगह जाओ और अपना डिवाइड करके ऑर्गन बनाना शुरू करो, सिर्फ डिवाइड करने का काम है। अभी तक उन्होंने कोई काम करना शुरू नहीं करा है। आगे चल के जब जैसे सेल्स डिवाइड हो जाती है, अपने जगह पे पहुंच जाती है, उन्हें काम मिलता जाता है और बोलते हैं उन्हें कि डिफरेंशिएट हो गई अपने काम के लिए फिक्स। अभी तक ये नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मल्टीपोटेंट सेल्स पढ़ ली तीनों लेयर, अब देखते हैं कौन सेल क्या बनाएगी। एक बार देखिए, बस नोट कर लीजिए पहले तीनों लेयर की क्या क्या सेल्स हैं। जैसे अब क्लास के अंदर क्या आता था, यहाँ पे फैमिली आ जाती, फैमिली आ जाती है यहाँ पे आगे, ऐसे ही चलता रहता है क्लासिफिकेशन, एक्टोडम एंडोडम मेसोडम। अब आगे देखते हैं क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक, इसको नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब हम मल्टीपोटेंट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मल्टीपोटेंट सेल्स क्या क्या बनाएंगी, क्या होता है इन मल्टीपोटेंट सेल्स में भी अलग अलग ग्रुप बनाएंगे हम। ये अभी बॉडी में ठीक है, हमने एक लेयर के अंदर एक एक टिश्यू बांट दिया पूरा, एक एक पूरा टिश्यू सिस्टम, अब न्यूरल टिश्यू सिस्टम बहुत सारे डाल दिए, तो अब आगे हमें और थोड़ा काम डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत बड़ा काम है एक पूरे एक सिस्टम को बनाना, तो उसके में छोटी छोटी सेल्स बनानी पड़ेंगी जो छोटा छोटा काम करेंगी और हमारा पूरा सिस्टम बन जाएगा। तो ऐसे चलता रहेगा आगे, इनमें आगे दूसरी सेल आएंगी। तो देखिए अब मेसेनकाइमल सेल चल रही थी, सॉरी मल्टीपोटेंट सेल्स, सबसे पहले थी एंडोडर्मल, ये क्या बनाएंगी, एंडोडर्मल एंडोडर्म स्टेम सेल्स बोल देते हैं, डर्म स्टेम सेल्स, ये करते पूरा का पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगी, ऑल होल डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम, ठीक, होल डाइजेस्टिव, जैसे इंटेस्टाइन या ऑर्गन्स जो भी है, इंटरनल ऑर्गन्स वो तो ये बना देंगे एंडोडर्म वाली। दूसरी आती है हमारी एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल को भी एक साथ पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें आती है। दूसरी है एक्टोडर्मल स्टेम सेल, और तीसरी होती है मेसोडर्मल के अंदर जो होंगी स्टेम सेल्स, उनको बोलेंगे जो मेसोडर्मल के अंदर मल्टीपोटेंट सेल्स होंगी, डर्मल स्टेम सेल्स, ठीक। देखिए एक्टोडर्मल स्टेम सेल्स क्या बनाएंगे, हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बनाएंगे, होल नर्वस सिस्टम, नर्वस न्यूरल सिस्टम बोल सकते हैं। अभी तक देखिए स्टेम सेल नर्वस सिस्टम, और ये क्या बनाएंगे, पूरे के पूरे हमारे ब्लड बनाएंगी, बोन्स बनाएंगी, बोन्स स्किन भी बनाती है कई बार, ये स्किन, टेंडन, लिगामेंट और भी एपिथीलियम वगैरह बनाती है, स्किन एपिथीलियम के अंदर आ जाएगा, एपिथीलियम, जो एपिथीलियम वो टिश्यू होता है जो हमारी स्किन बनाता है बाहर की, एपिथीलियम थीलियल टिश्यू, तो काफी सारी चीजें बनाता है। और अब बात आती है कौन कौन सी सेल होती है, अब देखिए ये तो मल्टीपोटेंट सेल थी, यहाँ पर जो एंडोडर्मल सेल ही बोलते हैं उन्हें एक्टोडर्मल बोलते हैं, इनमें सिंगल होता है। अब मल्टीपोटेंट सेल में भी पूरा पूरा डाइजेस्टम बनाना एक बहुत बड़ा काम है, तो ऐसा तो करने से तो हम लेवर बनाएंगे, छोटे छोटे काम डिवाइड करेंगे, छोटा छोटा काम देंगे। मान लीजिए हमने एक सेल के ग्रुप को काम दे दिया कि तुम्हें लेवर बनाना है, तो उस सेल के ग्रुप को क्या बोलेंगे, वो स्टेम का सेल जो ग्रुप होगा स्टेम सेल का, उसको बोलेंगे हम यूनिपोटेंट सेल्स। तो मल्टीपोटेंट सेल्स का कौन सी क्लासिफिकेशन आएगा नीचे, यूनिपोटेंट सेल्स, उसके नेक्स्ट लेवल पे यूनिपोटेंट सेल्स, ठीक। यहां पे भी होंगी यूनिपोटेंट सेल्स जो नर्वस टिश्यू बनाएंगी, एक ब्रेन बना देगा, एक स्पाइनल कॉर्ड बना देगा, कुछ और नर्व्स बना देगा, धीरे धीरे करके हमारा पूरा नर्वस सिस्टम तैयार हो जाएगा, एक
एक अलग अलग मल्टीपोटेंट यूनिपोटेंट सेल्स के वजह से, और यहाँ पे भी अलग अलग तरह की जो होंगी हमारी मल्टीपोटेंट सेल्स होंगी। यहाँ पे देखिए बट कौन कौन सी, यहाँ पे नाम है इसमें तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, इसमें काफी सारी चीजें होती है, यहाँ पे हमें कब सारे पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मल्टीपोटेंट सेल्स टाइप है उनके नाम देखिए कौन कौन सी मल्टीपोटेंट सेल्स यहाँ पे मेसोडर्मल में होंगी। एक तो हीमोपोएटिक स्टेम सेल, हीमोपोएटिक स्टेम सेल लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं ठीक है, स्टेम सेल। और कौन सी होती है, मेसेनकाइमल स्टेम सेल ठीक। तो ये सारे क्लासिफिकेशन होता है। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले टोटिपोटेंट सेल्स होती है जायगोट के अंदर, फिर उसके बाद बनती है प्लूरोपोटेंट सेल्स जब इनर सेल मास वगैरह आ जाते हैं, उसके बाद बनती है मल्टीपोटेंट सेल्स हमारी एक्टो एंडो मेसोडर्म लेयर में, उनके अलग अलग टाइप होते हैं, उसके बाद बनती है यूनिपोटेंट सेल्स, देन बाद में बन जाते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स, वो भी आगे पढ़ेंगे। पूरा जब ऑर्गन बन जाएगा तब सेल को क्या हो जाता है, अब काम फिक्स कर देते हैं हम उसका कि तुम्हें अब ये काम करना है, तब हम बोलते हैं कि सेल डिफरेंशिएट हो गई। अभी तक ये सेल्स का काम सिर्फ इतना है कि डिवाइड करें जा के और ऑर्गन वगैरह बनाए, इनको कोई फिक्स काम नहीं दिया। बाद में जब ऑर्गन बन जाएगा तो उसका काम भी तो होगा, जो काम करेगा वो, जैसे लीवर काम बाइल वगैरह बनाना होता है तो अपने काम करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम कि वहां पे सेल डिफरेंशिएट हो गई अपने काम के लिए। अभी तक ये सेल डिफरेंशिएट नहीं है। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, तो हम मल्टीपोटेंट का कौन सी है, यूनिपोटेंट। अब आगे देखते हैं इनमें तो हमें यही है इन चीजें, इनमें से ज्यादा टिश्यूज बनते नहीं, तो इनमें ज्यादा तरह की यूनिपोटेंट सेल्स होती भी नहीं है। बात आती है इसके अंदर काफी सारे टिश्यूज बन रहे हैं, देखिए ब्लड भी बन रहा है, बोन बन रही है, स्किन बन रही है, मसल्स भी बनती है, यहाँ पे मसल्स भी बनती हैं, मसल्स तो ऑलमोस्ट फैट यहीं पे बनता है, फैट के लिए एडिपोज टिश्यू ठीक। तो यहाँ पे कितने तरह की चीजें हो गई, तो यहाँ पे अलग अलग तरह की यूनिपोटेंट सेल्स बनेंगी और अपना काम करेंगे। फिलहाल इन जो हीमोपोएटिक स्टेम सेल और मेसेनकाइमल सेल है इन्हीं से बनेंगी यूनिपोटेंट सेल्स जो आगे चल के हमारे सारे टिश्यूज बनाएंगी। तो इन दोनों के बारे में देख लीजिए एक बार। अब इसको स्टार्ट करेंगे हम, इनसे डायरेक्ट यूनिपोटेंट सेल से नर्वस सिस्टम बनेगा और यहां से होल डाइजेस्टिव सिस्टम और इंटरनल ऑर्गन्स, लिवर वगैरह भी बन जाएगा, लिवर भी लिख लीजिए, लिवर किडनी ठीक, ये सारे भी यहीं से बन जाएंगे। अब इसको देखते हैं, इसके अंदर पढ़ते हैं कि हमारे कौन सी सेल क्या बनाएगी। तो दोनों सेल हैं, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और पूरा क्लासिफिकेशन करेंगे पूरा, फाइनली थोड़ा थोड़ा करके पूरा क्लासिफिकेशन खत्म कर देंगे हम उसका। तो देखते रहिए, इसके दो लेक्चर चलेंगे, इसके थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए पहले हम पढ़ेंगे हीमोपोएटिक स्टेम सेल, हीमोपोएटिक स्टेम सेल। इसके अंदर दो सेल बनेंगी, याद रखिएगा उनको हम यूनिपोटेंट नहीं बोलेंगे, वो क्या है सिर्फ एक सब क्लास बन रही है, मल्टीपोटेंट का बीच में एक सब क्लास बना दी जो कि हम बोलते हैं प्रिकर्सर सेल, उसके बाद आगे बनेगी यूनिपोटेंट। दो तरह की जो सेल बनेगी यहां पे उनका क्या नाम होगा, पहली तो बनेगी माइलॉइड स्टेम सेल SC, और दूसरी बनती है लिम्फोइड SC स्टेम सेल। दो तरह की होती है, इनसे आगे चल के बनाएंगी क्या, पहले देख लेते हैं, ये बनाती है ऑल ब्लड सेल्स, जितनी हमारी बॉडी में सेल्स होती है ना ब्लड के अंदर, WBC RBC प्लेटलेट्स वगैरह, वो सारी यही बनेंगी। तो इन सेल को नाम काम दे दिया कि हमने तुम डब बनाओ, पूरी ब्लड की सेल्स बनाओ, इस तरह की जो मल्टीपोटेंट सेल्स थी। अब ब्लड के अंदर भी काफी तरह की सेल्स होती थी, तो आगे चल के हमने यूनिपोटेंट सेल बना दिया, जो एक एक यूनिपोटेंट सेल एक एक तरह की सेल बना देगी और हमारा पूरा ब्लड की सेल्स तैयार देंगे सारी। देखते हैं माइलॉइड स्टेम सेल से, तो देखते लिम्फोइड स्टेम सेल और माइलॉइड स्टेम सेल्स, ये क्या है एक तरह की सब क्लास होती है स्टेम सेल के अंदर, सब क्लास। आगे बन जाएंगे फिर हमारी यूनिपोटेंट सेल्स, अब इनसे अलग अलग तरह की यूनिपोटेंट सेल्स बनेंगी और वो अलग अलग काम करेंगे। यहां देखिए जो प्लेटलेट के लिए सेल बनेगी यूनिपोटेंट सेल, उसको हम बोलते हैं मेगा कैरियो ब्लास्ट,
मेगा कैरियोब्लास्ट सेल ये आगे का चल क्या करेगी, मेगा कैरियो साइट बनाएगी, मेगा कैरियो साइट, और उससे क्या होगा प्लेटलेट्स बन जाएंगे हमारी प्लेटलेट्स, ठीक। ये और ये कौन सी सेल है, ये हो जाते हैं हमारे यूनिपोटेंट, दूसरी आती है हमारी जहां से दूसरी सेल निकलेगी, एक बनाती है अब ये तो प्लेटलेट्स के लिए, दूसरी आती है आरबीसी के लिए, आरबीसी के लिए आती है हमारे पास एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट उससे क्या बनेगी पहले रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट। इस सेल के अंदर ना क्या होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट, मतलब ये इमेच्योर आरबीसी होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट इमेच्योर है, और फिर आगे क्या होगा हमारी एरिथ्रोसाइट बन जाएंगी जो होती है हमारी आरबीसी एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। और ये कौन सी क्लास है यूनिपोटेंट के बाद नेक्स्ट होती है डिफरेंशिएटेड सेल्स, ये बेसिकली एक तरह के वो नहीं है कि स्टेम सेल, लेकिन डिफरेंशिएटेड सेल बोल देते हैं इसके बाद, डिफरेंशिएटेड या कमिटेड सेल्स, डिफरेंशिएटेड और कमिटेड, कमिटेड सेल्स, ठीक। एरिथ्रोसाइट के लिए बन गई, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जहां पे एक बनती है, याद रखिए डब्ल्यूबीसी कुछ सेल्स ये बनाएगा, कुछ सेल्स ये बनाएगा, डब्ल्यूबीसी के लिए यहां पे बनेगी माइलॉइड सेल, जो कि क्या बनाएगा तीनों तरह के डब्ल्यूबीसी बनाएगा, जो ग्रेनुलर वाली होती है हमने पढ़ी होती है ना, न्यूट्रोफिल्स इजोनोफिल्स और बेसोफिल्स, वो सारी यहां बन जाएंगी, न्यूट्रोफिल्स इजेनोफिल्स इजोफिल्स और बेसोफिल्स, ये तीनों यहां इससे बन जाएंगी माइलॉइड सेल से, माइलॉइड सेल जो यूनिपोटेंट है बेसोफिल, ठीक। और आगे आता है इसके अंदर, यहां से दो तरह की सेल्स बनेंगी, यहां से जो सेल बनाएंगी यूनिपोटेंट सेल्स, एक तो जो शॉर्ट सेल्स होंगी, शॉर्ट स्टेम सेल्स जो यूनिपोटेंट शॉर्ट सेल्स होंगी, वो तो बना देंगी लिम्फोसाइट्स बी एंड टी लिम्फोसाइट, और जो हमारी होंगी लार्ज लार्ज सेल ये बना देंगी हमारी नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, किलर सेल्स। तो इस तरह से हमारे डब्ल हमारी पूरी बॉडी की ब्लड सेल्स बन जाती हैं इन अलग अलग तरह की सेल्स है, ये सारी क्या है ये सारी यूनिपोटेंट सेल्स हैं, ये जो आगे आ रही है ये ऊपर वाली सब क्लास है, और इनसे एक एक सेल बन रही है आगे चल के यूनिपोटेंट, और आगे चल के ये जो नीचे बन रही है ये सारी ये वाली और ये तीन, ये सारी क्या है डिफरेंशिएटेड सेल्स है। आगे तब तक हमने क्या पढ़ा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अपना दूसरा स्टार्ट करेंगे मेसेनकाइमल सेल के बारे में। तो अब तुमने क्या पढ़ा, सबसे पहले टोटिपोटेंट प्लूरोपोटेंट मल्टीपोटेंट सेल्स, उसके बाद सब क्लास पढ़ी, और देन आती है हमारी यूनिपोटेंट, और लास्ट में आ गया डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन चलता रहता है, अलग अलग तरह की सेल्स बनती रहती है, और हमारी पूरी बॉडी धीरे धीरे करके फॉर्म हो जाती है, और हम एक सिंगल सेल से हमारी पूरी लाइफ बन जाती है। तो कितना इंपॉर्टेंट चीज है, कितना सारा ड्रास्टिक और वेरिएशन है, कितनी सारी कितना वर्सटाइल है, तो सारी चीजों को हमें पढ़ना होता है। तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे मेसेनकाइमल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें और ज्यादा क्लासिफिकेशन है, और वो काफी तरह के टिश्यूज बनाती है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। थैंक यू।